हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बिहार में एक नई भर्ती निकल के आई लोकपाल सहायक के लिए, यानी कि बिहार लेखपाल और सहायक के लिए एक नई भर्ती है। दोस्तों, ये भर्ती बहुत सालों की बाद है, लगभग 10 से 12 सालों के बाद है। और दोस्तों, जो भी कैंडिडेट यानी कि BCOM BS एम कॉम जो करके बैठे थे, वो को बहुत इंतज़ार था कि लेखपाल की भर्ती कब आएगी बिहार में, यानी कि पंचायत सहायक लेखपाल SIT की भर्ती कब आई थी। दोस्तों, उसकी शॉर्ट नोटिस रिलीज हो चुकी है, जिसके बारे में आप चलो बताएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसकी शॉर्ट नोटिस है। इसी के थ्रू मैंने सारा आपको डिटेल्स बताऊंगा कि क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या इसकी भर्ती की प्रक्रिया है, सारी जानकारी हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करें कि बिहार पंचायत लेखपाल SIT सहायक भर्ती, यानी पोस्ट जो है SIT सहायक के लिए है भर्ती, जिसमें हम पोस्ट की बात करें तो अच्छा खासा पोस्ट निकल के आई है। यानी कि टोटल आपको 6,570 टोटल पोस्ट आई है, जिसकी अप्लाई डेट आपको 15 अप्रैल से 14 मई के बीच किया जाएगा। इनकी 15 अप्रैल से आपकी इसकी अप्लाई जो ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी, अब 14 मई तक इसकी लास्ट डेट आपकी रहेगी। इसमें हम बात करें तो आपको फी की बात, यानी कि फुल नोटिस अभी नहीं आई है, जब फुल नोटिस आएगी तो उसमें बताएंगे। जैसे कि स्क्रीन पर आप दिखाए थे आपको, तो जिसमें जो जानकारी वो सारे मोटा मोटी जानकारी दिया गया है। जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें, तो जो भी कैंडिडेट BCOM, MCOM या CA इंटर किए हुए उनके लिए क्वालिफिकेशन वही फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि जो BA या BSc किए या इंटर पास नॉर्मल है उनके लिए फॉर्म नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ कंपटीशन कम होगी कि जो भी कैंडिडेट BCOM या MCOM या CA इंटर किए होंगे उन्हीं के लिए ज़्यादा ये फॉर्म एलिजिबिलिटी रहने वाली है। अगर हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बताएं, यानी कि 6,570 पोस्ट की, तो दोस्तों मेल और फीमेल की हम कैटेगरी वाइज बात कर ले तो आप जनरल में देख सकते हैं मेल का 1,068 और फीमेल का 575, EWS का मेल में 427 और फीमेल में 230, BC मेल में बात करें तो 769 और फीमेल में 414, EBC मेल में बात करें तो 1,068 और फीमेल में 575, SC मेल में आपको 853 और फीमेल में 460, ST का मेल में आपको 85 और फीमेल में 86। इस हिसाब से ST के पूरी वैकेंसी की बात करें, टोटल SC में कितनी वैकेंसी मेल फीमेल, तो आपको 131 मिलेगी ST में, और SC में आपको 1313 मिलेगी, यानी कि 1313 मिलेगी। EBC में 1643 है, BC में 1183 है, और आपकी EWS में 657 और जनरल का आपको 1643, यानी कि जनरल और BC की वैकेंसी सेम है। तो दोस्तों, इसके हम बात करें, यानी कि ये फॉर्म जब अप्लाई होगी तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अभी से कैरी करना है कि डॉक्यूमेंट आप अप्लाई कर सके, उस टाइम में फॉर्म भरने में आपकी कोई प्रॉब्लम कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट के लेके बता दें तो देख सकते हैं, आपको सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कोई प्रूफ चाहिए, यानी कि आप BCOM किए तो इसके सर्टिफिकेट चाहिए, MCOM किए तो इसके सर्टिफिकेट चाहिए, CA इंटर किए तो इसकी सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन होगी तो ही आप फॉर्म भरेंगे। इसके बाद आपकी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी, यानी कि जो भी कैंडिडेट SC है तो अपने SC का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, ST है तो ST वाला अपना बनवा लेंगे, EWS है तो EWS वाला बना लेंगे। अगर आप नन क्रीमिलेयर में आते हैं, OBC वाली कैटेगरी में आते हैं, तो उसके लिए NCL की सर्टिफिकेट होगी, जो कि आप बिहार सरकार के तो आप स्टेट लेवल बनाएंगे तो ही काम चल जाएगा, नहीं तो आप सेंट्रल लेवल बनाते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टेट लेवल तक आपकी स्किल लगेगी। ID प्रूफ में आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी एक दे सकते हैं, ये सारे आपकी सिलेबस है। अब हम बात करें CA इंटर के लिए पोस्ट प्रेफरेंस दिया गया, यानी कि बात करें सबसे ज़्यादा बढ़त बात करें तो इसको दिया गया पोस्ट प्रेफरेंस ज़्यादा इसको दिया गया, यानी कि मान लीजिए कि एक सीट बाकी है, सारे सिलेक्शन होकर एक सीट बाकी है, और एक CA कैंडिडेट भी है, एक MCOM कैंडिडेट है, एक BCOM कैंडिडेट है, इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू जो दिया जाएगा CA इंटर कैंडिडेट को दिया जाएगा, ऐसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया। तो दोस्तों, स्क्रीन पर नोटिफिकेशन हम लगा देंगे, ये आप देख लीजिएगा। और हम बात करें इसकी नोटिफिकेशन जो है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दें, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक मिलेगी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आप वहाँ जाकर रीड कर सकते हैं। एग्ज़ाम के मूड जो होगी आपकी ऑनलाइन होगी, यानी कि CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी कि देख सकते हैं बिहार में हर एग्ज़ाम में कितनी ज़्यादा धांधली होता है। अच्छा है कि ऑनलाइन है तो धांधली थोड़ी कम होगी। इसके बाद फुल नोटिफिकेशन की बात करें तो इसकी फुल नोटिफिकेशन आपको 12 अप्रैल को आ जाएगी, यानी कि 15 अप्रैल से अप्लाई है तो 12 अप्रैल की इसकी फुल नोटिफिकेशन आएगी। तो उसके बारे में जो भी जानकारी रहेगी, यानी फ़ी के रिलेटेड कितना फीस लिया जाता है, 500 फीस लिया जाता है, 1,000 फीस लिया जाता है, 1,500 फीस लिया जाता है, वो डिटेल्स फुल नोटिफिकेशन जो 12 अप्रैल की आएगी तो आप उस दिन आपको वीडियो बनाकर बता देंगे। बाकी जो भी कैंडिडेट ये एलिजिबिलिटी रखते हैं तो अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अपना रेडी रख ले,
क्योंकि 15 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, तो उस दिन आप फॉर्म अप्लाई कर पाए। इसलिए नोटिफिकेशन, क्योंकि कोई भी NCL बनाने के लिए या OBC कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 दिन लगेगी, क्योंकि आज अप्लाई करेंगे तो 8 से 10 दिन में आएगी। तो इसलिए अभी वीडियो बनाने के पर्पज़ यही रहते हैं कि जो भी कैंडिडेट इसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं वो अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर ले कि आपकी फॉर्म भरने टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। सिलेबस की बात कर ले तो दोस्तों, सिलेबस इसमें जैसे कि नोटिफिकेशन आपने देखे होंगे अच्छे से, तो सिलेबस के बारे में इसमें कोई चर्चा नहीं किया गया है कि सिलेबस नहीं बताएगी क्या है, क्योंकि जो 12 तारीख का नोटिफिकेशन आएगी तो उस दिन आपके हम सिलेबस के बारे में बता देंगे वीडियो। बाकी सिलेबस क्या रह सकती है, मैथ रहेगी, GK GS रहेगी, साइंस रहेगी और रीजनिंग रहेगी, यही सब को सिलेबस रहेगी। तो सिलेबस यही रहेगी, बस की किस पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो 12 तारीख के नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। तो उस दिन नोटिफिकेशन आ दी तो हम एक वीडियो बना के आपको बता देंगे। बाकी शॉर्ट नोटिस की जारी हो गए, शॉर्ट नोटिस आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसके लेके कोई भी अभी जानकारी इतनी आई है तो आपको शॉर्ट नोटिस के माध्यम से बता दिए। बाकी इसके लेके फुल नोटिफिकेशन आती है तो आपको चैनल के थ्रू बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।